वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट का जो वेब ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है उसमें 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो नहीं हो, ठीक है ना, और जिसका ऑर्डर कितना दिया है, टू दिया हुआ है। तो कहता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, इसका सीधे फॉर्मूला ही होता है 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए। कहानी ख़त्म इसका, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो कैसा इसका इसका वैल्यू निकालिए। तो चलो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बात इसको या तो दो तरीका है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको क्या करो, ये हो गया आर वन, ये क्या हो गया हमारा आर टू, ये क्या हो गया हमारा आर थ्री। आर वन में से आर टू को घटाएंगे तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो आसान हो जाएगा, होगा ना आसान। तो देखो इधर कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन करेंगे हम आर वन में, आर वन माइनस कौन सा वो आर टू, इधर कौन सा हो जाएगा, देखो वन माइनस वन कितना ज़ीरो, इधर कौन सा वन माइनस, तो ये कट गया, इधर क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा, अरे बचेगा ना वन माइनस वन, ये भी कितना हो जाएगा ज़ीरो। इधर देखो वन माइनस वन, इसको भी घटा लेंगे तो ये भी ज़ीरो। तो एक काम करो आर टू को कर दो कौन सा हुआ आर टू, और माइनस कौन सा हुआ आर थ्री, तो वन माइनस वन तो ये भी ज़ीरो, वन प्लस एक्स माइनस वन, ये कट जाएगा बच जाएगा इधर एक्स, वन और वन ये कट जाएगा इधर बच जाएगा माइनस वाई, इधर हो जाएगा वन वन और वन प्लस वाई। देखो ऑपरेशन क्यों करते हैं, देखो अब ये छोटा हो गया, अब फट से आंसर निकल जाएगा, जीरो को छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, इससे लेंगे तो वन लेंगे, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाला को छोड़ दो, ऐसे वाला को छोड़ दो, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो कौन सा एक्स वाई, इधर से करोगे तो ज़ीरो, कौन सा आंसर होगा इधर एक्स और वाई होगा। देख ठीक है, ए बालक देखो इधर पीछे, ये जो तीन चार तीन महीना बचल है ना एग्जाम का, इसमें गर्दन को झुका करके पढ़ लो, ठीक है ना, सारी जिंदगी जो है ना गर्दन उठा करके जियोगे, नहीं अगर अभी गर्दन इधर उधर करोगे ना तो फिर सारी जिंदगी गर्दन नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। बड़ा अभी इंपॉर्टेंट समय है, एक तो समय कम है तुम लोग के पास, ऊपर से जो है ना मतलब इधर गर्दन इधर इधर कर, तो इधर कॉन्सेंट्रेट इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ दिस वन बराबर दिस वन, तो दिस वन बराबर दिस वन, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो इधर x इधर कौन सा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाई, या बराबर कौन सा हो गया इधर 2, इधर क्या दिया हुआ 2x, इधर कौन सा हो जाएगा माइनस 3y, या बराबर में कौन सा 1। हमको x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या बड़ा सिंपल तरीका है, इसको क्या जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देंगे ना, इसको 1 से कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 2x माइनस कौन सा 2y या बराबर में 4, इधर कौन सा हो जाएगा 2x माइनस 3y या बराबर में 1, माइनस ये प्लस और ये माइनस कट गया, इधर कौन सा हो जाएगा y, इधर कौन सा हो जाएगा 3, y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर दोगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो x माइनस वाई बराबर 2 निकला था, तो x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर कौन सा इधर 5, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना 3, देखो कौन सा है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द को फैक्टर ऑफ 4 इन द डिटरमिनेंट, ये दिया हुआ डिटरमिनेंट में से हमको 4 का को फैक्टर निकालना है, तो ठीक है, तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या रूल होता है, इसको प्लस तो इसको माइनस, तो ये प्लस तो फिर से ये कौन सा माइनस, तो 4 का जो वैल्यू निकलेगा, 4 का जो वैल्यू निकलेगा वो किस में निकलेगा, माइनस में। अब देखो फोर लेंगे तो ऐसे छोड़ दो और सामने वाले को छोड़ दो, टू इन टू कितना हो जाएगा 2 1, तो 2 हो गया, इधर कौन सा ये तो 0, तो इधर कौन सा 4 का जो को फैक्टर होगा माइनस 2, बस इसमें आ जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, क्या कहता है मतलब ये सब वर्टिसेस ट्रायंगल का दिया हुआ है, तो कैसा है, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो 35 नंबर का सॉल्यूशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, कितना है ऑप्शन हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो नेगेटिव में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा हम मॉड में लेते हैं, तो कितना आया 54/2, इसको करोगे तो कितना 27, 26, 13, 10 और नॉन ऑफ दिस, 27 तो कहीं नहीं है, तो कौन सा मारेंगे, मारो नॉन ऑफ दिस पर, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हुज टू रोज और टू कॉलम्स आर कौन सा इक्वल, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो होता है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, कहता है डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चलो देखते हैं हम इधर से,
चलिए पहले हम इसको ऑपरेशन कर लें। देखो ना ये जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नहीं फिर इसको भी कर लेंगे। तो कैसे ऑपरेशन करेंगे इसमें, आर वन को करेंगे आर वन माइनस आर टू, और आर टू को करेंगे कौन सा हुआ, आर टू माइनस आर थ्री। देखो इधर यहाँ यहाँ टू प्लस एक्स है, कितना है इधर से कौन सा है, टू माइनस एक्स है, तो टू और टू कट जाएगा, प्लस एक्स है ये भी प्लस एक्स, तो कौन सा हो जाएगा इधर टू एक्स, टू और टू कितना है इधर जीरो, एक्स एक्स में गया ये भी कितना हो गया जीरो। अरे बात समझ आ रहा है। फिर देखो इधर टू माइनस एक्स है, माइनस करेंगे तो ये माइनस टू, ये कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये तो सब कट जाएगा इधर, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी देखो टू माइनस टू, ये भी जीरो हो जाएगा। इधर कौन सा एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा टू एक्स। नीचे वाला टर्म जैसी है टू माइनस एक्स, टू और माइनस एक्स बराबर जीरो। चलो कैसे करेंगे इसको ऑपरेशंस, इधर से देख लो ना। हाँ चलो ना टू एक्स ले लें यहाँ से हम, तो अब यहाँ से ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे करोगे तो ये कौन सा जीरो, इसको ऐसे करोगे तो कौन सा हो जाएगा माइनस फोर एक्स बराबर में जीरो, तो एक्स बराबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, देखो तो माइनस एट एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कौन सा जीरो ही देगा ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। नहीं हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्व करने से पहले ना ऑपरेशन कर लो घटा करके, तो इजी हो जाएगा। देखो इसको इसमें से घटाओगे तो जीरो, इसको इसमें से घटाओगे जीरो, इसको इसमें से घटाओगे जीरो, तो ये होगा सी वन सी टू, ये होगा सी थ्री। तो सी वन को करेंगे कौन सा, सी वन माइनस सी टू, तो देखो वन माइनस वन कितना हो गया इधर जीरो, टू माइनस टू ये कितना हो गया, ये भी जीरो, थ्री माइनस फाइव कितना हो गया माइनस टू, वन टू फाइव टू फोर और सिक्स, ठीक है। माइनस टू से एक्सपेंड करेंगे, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा फोर, और माइनस टू इंटू फोर तो ये जीरो, तो सारा टर्म जीरो ना, कौन सा होगा ऑप्शन, सी वाला होगा। मारो टिक, मार दिए। आइए ये वाला में इसको ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, 39 के लिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा माइनस 25 बराबर में जीरो है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कौन सा प्लस माइनस 5, अरे बोल आंसर है, यस सर, ठीक है क्लियर है। इधर सॉरी इधर ये 10 छूटा हुआ है, 10 2 35 और 7 करो ऐसे, कितना हो जाएगा इधर 70, और माइनस इधर करोगे कितना हो जाएगा 70, कौन सा ऑप्शन होगा जीरो। नहीं ये वाला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन बड़ा इजी है, एकदम ध्यान से देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे किसके लिए, 41 के लिए, किसके लिए 41 के लिए, कितना है तो ए प्लस आई बी इंटू कौन सा होगा ए माइनस आई बी, बीच में माइनस होता है ना माइनस, फिर इसको ऐसे करोगे तो इसको कौन सा हो जाएगा, देखो तो सी प्लस आई डी इंटू इधर कौन सा हो जाएगा, देखो तो माइनस सी या प्लस आई डी, ए माइ ए प्लस बी एन टू ए सॉरी ए प्लस बी आ ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस कौन सा बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ये भी बीच में माइनस, यहाँ बोला देखो तो इसको आई डी प्लस सी लिख लो, और इसको कौन सा आई डी या माइनस सी को बाद में लिख लो, लिख सकते हैं ना। देखो ये आई स्क्वायर जो है ना बड़ा ये है, ध्यान से देखो आई स्क्वायर कम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, कितना होता है आई स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, कितना होता है माइनस वन, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ माइनस वन देंगे तो ये तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा यस सर। इसको करोगे तो यहाँ भी आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए कितना हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस वाला प्लस, सर प्लस वाला कौन सा माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। किसी को दिक्कत इसमें, ये वाला टर्म्स याद रखना है, आई स्क्वायर बराबर कौन सा माइनस वन, ये कहाँ पर था क्लास इलेवंथ में, किसके टॉपिक में, अलजेब्रा के, कौन सा टॉपिक में, कम्प्लेक्स नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। कहता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो कहता है इक्वेशन मतलब कौन सा, डिटरमिनेंट बराबर जीरो दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, इसी को बोलता है सॉल्यूशन, एक्स का जो वैल्यू होगा वही सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट को क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर में जो एक्स का वैल्यू होगा उसी को लिखेंगे, इसी ही होगा हमारा सेट, सॉल्यूशन मतलब कौन सा एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो सॉल्व करने से पहले इसका ऑपरेशन थोड़ा सा करके देखो, अगर इस तीनों को जोड़ दोगे तो x प्लस कौन सा 9 हो जाएगा, यहाँ भी x प्लस 9 यहाँ भी x प्लस 9, तो हम अगर ऑपरेशन R1 में R1 प्लस R2 प्लस कौन सा R3 कर दें
तो कौन सा हो जाएगा? देखो तो x प्लस टू और प्लस सेवन कितना हो जाएगा, x प्लस नाइन हो जाएगा, यहाँ ये भी नाइन हो जाएगा, तो x प्लस नाइन, यहाँ भी सेवन प्लस टू कितना हो जाएगा नाइन, अब प्लस एक्स, तो इसको भी x प्लस नाइन लिख सकते हैं। इधर हो गया ज़ीरो, यहाँ हो गया टू, इधर x, इधर टू, इधर सेवन, सिक्स, इधर x। देखो x प्लस नाइन सब में है, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, वन टू सेवन, वन एक्स सिक्स, इधर वन टू, इधर x, अब बराबर में कौन सा, ज़ीरो, ठीक है ना। अब चाहो तो आंसर यहाँ से भी निकाल सकते हो, x प्लस नाइन बराबर ज़ीरो, तो x का वैल्यू कौन सा होगा, माइनस नाइन। तो माइनस नाइन किस वाले में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये तो नॉन ऑफ दिस है। इधर देखो तो इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं ना। तो चलो बात आ रही, सर ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो नॉन ऑफ दिस भी ये दिया हुआ है, कहीं मान लो इस वाले में से ये टू और सेवन नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करने से पहले इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओगे, ये हो गया सी वन, ये हो गया सी टू, तो सी वन को करोगे सी वन माइनस सी टू, और सी टू करेंगे सी टू और माइनस कौन सा, सी थ्री। इधर कौन सा हो जाएगा, x प्लस नाइन, इधर कौन सा, वन माइनस वन, इधर ज़ीरो, टू माइनस एक्स हो जाएगा, इधर सेवन में से छः, सात में से छः हो गया तो एक, इधर वन माइनस वन, इधर भी ज़ीरो, इधर हो जाएगा कौन सा, x माइनस टू, इधर कौन सा, सिक्स माइनस एक्स, इधर वन टू एक्स। आप देखो कितना छोटा हो गया छोटा। तो चलो x प्लस नाइन सही है, यहाँ पर से वन से करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वन लेंगे ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, कितना हो जाएगा, इधर से टू माइनस एक्स, इधर कौन सा हो जाएगा, सिक्स माइनस एक्स, बीच में माइनस होता है, इसको करोगे इधर से कौन सा हो जाएगा, एक्स माइनस टू और बराबर में कौन सा, ज़ीरो। तो ये हो गया एक्स प्लस नाइन हो गया, यहाँ देखो टू माइनस एक्स है और यहाँ एक्स माइनस टू है, तो वो भी टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन लेने में ईजी हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ कौन सा हो जाएगा, टू, इधर माइनस एक्स, इधर बराबर में ज़ीरो, ठीक है। अब इधर देख लो, इधर यहाँ x प्लस नाइन तो सही है, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो तो 2 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो हम यहाँ 2 माइनस एक्स कॉमन ले लेते, अंदर में क्या बचेगा, 6 माइनस एक्स, इधर कौन सा, प्लस वन, बराबर में ज़ीरो। तो देखो एक x का वैल्यू कौन सा यहाँ पर निकलेगा, देखो तो x का वैल्यू कौन सा, माइनस नाइन निकलेगा, एक कौन सा, इधर x का वैल्यू एक टू निकलेगा, एक कौन सा, सिक्स, अब प्लस सेवन है, तो सेवन माइनस एक्स बराबर ज़ीरो, तो एक्स बराबर कौन सा, सेवन। तो देखो कौन सा हो गया, टू सेवन और माइनस नाइन, तो टू सेवन और माइनस नाइन, यही हम बोले थे। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है तीन पॉइंट दिया हुआ है, तो ये कोलिनियर होगा, तो के का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू। तो कोलिनियर का मतलब होता है कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो, तो वन बट्टा टू, और डिटर्मिनेंट बना लीजिए वन वन वन, और जो वर्टिसेस दिया हुआ रहता है, जो पॉइंट दिया था, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो वन बाई टू तो खत्म हो जाएगा, ऑपरेशन कर दो इसको, क्योंकि वन में से वन घटाओगे तो ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, तो आर वन को करोगे आर वन माइनस आर टू, और आर टू को क्या करोगे हम, आर टू माइनस आर थ्री, वन माइनस वन इधर ज़ीरो, इधर कौन सा हो जाएगा, थ्री माइनस के माइनस टू, इधर माइनस टू, तो इधर कौन सा हो जाएगा, माइनस फोर, ये भी ज़ीरो, के माइनस एट, इधर हो जाएगा माइनस सिक्स, वन एट एट बराबर में ज़ीरो। इधर करेंगे वन से करेंगे, तो इधर कौन सा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एटीन प्लस सिक्स के, इधर ऐसे करोगे तो बीच में माइनस होता है, तो माइनस से माइनस इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर से, फोर के, ठीक है ना। इधर कौन सा हो जाएगा, थर्टी टू, थर्टी टू प्लस में, ऑलरेडी बाहर में माइनस, इधर थर्टी टू आपका माइनस में बराबर ज़ीरो। इधर से कौन सा हो जाएगा, 10k, नहीं इधर से कौन सा हो जाएगा, देखो तो इधर 50 बराबर ज़ीरो, तो 10k इज इक्वल टू कौन सा हुआ, 50, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 5। देखो कौन सा ऑप्शन है, C वाला ऑप्शन है, क्लियर। 44 नंबर क्वेश्चन है, 3x 7 माइनस 2 और 4 है, और 8 7 6 4 है, तो कहता है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो इसको कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, देखो 12x, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14, तो बीच में माइनस पहले से है, तो इधर हो जाएगा 14, इधर ऐसे करोगे कितना हो जाएगा, इधर 32 माइनस, इधर कितना हो जाएगा 42, इधर हो जाएगा 12x प्लस 14, इधर कौन सा, माइनस 10 हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 14, तो 12x सही है, माइनस इधर कौन सा, 24, ये और ये कटा, एक्स का वैल्यू कौन सा हो गया, माइनस टू, देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है,
ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स है, क्या है ये मैट्रिक्स है, तो कहता है 3 × a का डिटर्मिनेंट। तो पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लो। a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो जो मैट्रिक्स है उससे डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं ना। a बराबर कितना दिया हुआ है इधर से, 3, 4, 1 और 2। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने के लिए कौन सा, बस इसका खाली साइन को इसको चेंज कर दो। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 कितना हो जाएगा 6, माइनस ऐसे करोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 2। आपको क्या चाहिए, 3 × डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो देखो 3 × डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है।